बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, आज मैं जो स्पेशल टॉपिक आपसे शेयर करने वाली हूँ या डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि आपको पता है रीसेंट जस्ट फ्यू डेज रह गए हैं बकरीद में, और मैं आपसे जो है वो उसकी कुछ टिप्स वगैरह शेयर करना चाहती हूँ कि जो बकरा आता है या बकरे का गोश्त वगैरह जो हम लोग फ्रेश आते हैं हमारे घर में ईद वाले दिन, उससे रिलेटिव कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स और हेल्दी वे की जो है वो चीज़ें मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं आप सबको, हज का महीना चल रहा है जैसे कि आपको पता है, और जिन जिन को हज की सआदत नसीब हुई है उन सबको, जितने भी दुनिया में परफॉर्म करेंगे फ्राइडे को हाजी, फ्राइडे में भी सैटरडे हो कंफर्म नहीं है डे, तो उसके लिए आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। जो जो हज पे जा चुके हैं तो प्लीज़ हज हाजियों से या आप लोगों से यही दुआ है, जैसे कि लोग रोज़े रख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, आज मैं आपको, जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक बेस्ट टिप टू सेलिब्रेट बकरा ईद इन अ हेल्दी वे, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से टाइम लिया और उससे मैंने जो है वो कहा कि वो आएं और मुझे थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के कुछ चीज़ों के बारे में बताएं जो कि मेरे को खुद उससे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलें जी, उनसे हम मिलवाते हैं आपको और आपको वो आपको अच्छी अच्छी टिप्स देंगे, हम उनसे सवाल करेंगे और उनके बारे में वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है जी। डॉक्टर साहब, हज का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आगे ईद भी आ रही है, आपको एडवांस में ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में ईद का गोश्त आता है, और हम लोग क्या करते हैं कि गोश्त बांटने के बजाय उसको फ्रीज करते रहते हैं, और वो गोश्त उस वक्त तक चल रहा होता है जब दूसरी बकरा ईद ना आ जाए। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हमें वो गोश्त कितने टाइम तक यूज़ करना चाहिए, उसकी क्या लिमिट होती है, क्या क्वान्टिटी होती है, क्या नहीं होती? फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और सबसे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे भी किसी बकरे को ज़बह किया जाता है या किसी भी जानवर को ज़बह किया जाता है, तो अब उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे अगर 0 to -8 डिग्री तक अगर आप स्टोर करते हैं तो फ्रीज पोजिशन में, बिल्कुल फ्रीजिंग पोजिशन में, तो आपको 5 to 7 days तक यूज़ कर सकते हैं, उससे आगे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर भी जैसा कि आप जानते हैं बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज होते हैं, तो उसके अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होती है, क्योंकि वो हेल्दी फॉर्म में नहीं होता, एक दफ़ा वो डेड पोजिशन में चला जाता है, तो उसके बाद वो जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं पोर्स फॉर्म में, हाँ, तो वो बहुत ही ग्रोथ कर जाते हैं। तो इससे बेहतर रहेगा कि आप जो भी गोश्त है आप कुर्बानी करते हैं, और सुन्नत नबी भी यही है और सुन्नत इब्राहिमी भी यही है कि आप उसके 3 पोर्शन करें, गरीबों के पोर्शन में गरीबों के अंदर बांटें, रिश्तेदारों का पोर्शन और पड़ोसियों का पोर्शन उनके अंदर बांटें, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ऑब्वियसली अगर आप अपने फैमिली में यूज़ करते हैं तो विदिन 2-3 डेज में ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक सवाल मेरे पास आया था कि काफ़ी लोग आफ्टर ईद, बकरा ईद के बाद ये होता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ आ रहा होता है उनका, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, और जितनी भी ये लिपिड प्रोफाइल से रिलेटिव सिस्टम है उनका पूरा थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है। अब कोलेस्ट्रॉल 200 अगर नॉर्मल आ रहा है और किसी का कोलेस्ट्रॉल आ रहा है 256, 276, तो उससे रिलेटिव जो है मैं ये पूछूंगी कि गोश्त का क्या ताल्लुक होता है कोलेस्ट्रॉल से? कोलेस्ट्रॉल तो विदाउट बकरा ईद भी बंदे का बढ़ावा आ रहा होता है। मैं आपको सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, जो नेचुरल फैक्टर है जो चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, गोश्त कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, फैट, ठीक है, चर्बी,
जो फिजिकल एक्टिविटी आप, क्योंकि कुछ लोग हो लेस सकते हैं, करने जो कुछ लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, खाना खा के लेट जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो खाना खा के लेट जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर लेट जाते हैं। भाई आपने जब भी ऐसी कोई चीज़ खानी है तो उसके बाद आपने फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो गोश्त ना, या गोश्त या चर्बी, ये चीज़ें आप बोलते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ और मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा मीट यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है और मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता हूँ, तो इसकी वजह से मैं जब भी कोलेस्ट्रॉल पिछले 5 साल से चेक कर रहा हूँ तो वो हमेशा नॉर्मल आ रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भले आप गोश्त खाएं लेकिन ओवर ईटिंग ना करें। पहली बात मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, ओवर ईटिंग आपके स्टमक को भी ख़राब करेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करेगी, सारी चीज़ें खराब करेगी। नॉर्मल जितना आप खा सकते हैं उतना खाएं, और उसके बाद आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी मेंटेन रखनी है। बिल्कुल एक सोफे या बेड पर लेट नहीं जाना, और आपने थोड़ा वॉक भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है। जब आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ेंगे और प्रॉपर सुबह से लेके अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन रखेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा नॉर्मल ही आएगा। तो आज मैं आपको एक चीज़ अच्छा, डॉक्टर साहब मैं ये आपकी बात को कट करूंगी। मैंने कहीं जगह देखा है जब मैं इनवाइट होती हूँ या इनविटेशन होता है तो वहाँ जो अरब कंट्री की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा थाल रखा होता है और उसमें राइस होते हैं, उसके ऊपर पूरा बकरा या ऊंट का पूरा गोश्त बना हुआ होता है और अलग से उन्होंने इतना सारा पीस चर्बी का रखा हुआ होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा पीस तोड़ते हैं मीट का और थोड़ी चर्बी तोड़ते हैं और वो साथ में खा रहे होते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी चर्बी खाएं तो हमारा सांस होने लग जाता है। तो ये क्या हेल्दी है चर्बी, ये सही है चीज़ या गलत है, कुछ इसके बारे में बता दें। देखिए, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसके अंदर फ़ायदा है, तो नेचुरल चीज़ें जितनी भी हैं उसके अंदर फ़ायदा ही होता है। तो अल्टीमेटली जब आप एक गोश्त वाली चर्बी जो जानवर नहीं, जो अरब मुबालिक में गोश्त के साथ जो चर्बी खा रहे होते हैं वो क्या, उसके बारे में आपका क्या है? अरबियन कंट्रीज के अंदर मीट मंदी या मटन मंदी ये बहुत फेमस होती है, तो जिसके अंदर वो जब गोश्त को पका रहे होते हैं तो वो बहुत ही कम मसाले यूज़ करते हैं, सिर्फ नमक यूज़ करते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, उनके आप चावल भी देखेंगे तो वो बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाए हुए होते हैं और उसके अंदर घी यूज़ किया गया होता है, जो बटर या घी जो बोले वो देसी घी वो यूज़ किया हुआ होता है। और उसके साथ वो जो मीट होता है उसमें वो जो फैट है जानवर का, जो ओरिजिनल फैट है, जो नेचुरल फैट है, वो लाजमी खाते हैं और यूज़ करते हैं। तो उसमें जो नेचुरल जो फैट होती है ना वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अगर प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ब्रेन चाहते हैं तो आपको नेचुरल फैट खानी पड़ेगी। हाँ, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है वो फैट, वो आप देखें कि आपको कौन सी फैट आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है, उस पर फोकस करें, ना कि आप नेचुरल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दें। तो बेहतर रहेगा कि आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटाएँ और प्रॉपर खाना खाएँ और टाइम पर खाना खाएँ और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें। और इस ईद के लिए मैं आपको स्पेशली कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूँगा जिससे आपका जो ये वाला ईद है वो हेल्दियर गुजरेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, बड़े मज़े से सुबह सुबह उठ के नाश्ता करना है और उसके बाद, लेकिन यहाँ सॉरी मैं आपकी बात काटूंगी, लोग सुबह सुबह जो लोग की हो रही होती है सारी रात चांद रात के लिए जागे हुए होते हैं, जानवरों की देखभाल, बाजारों में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो सॉरी डॉक्टर साहब, मैं ये भी सुबह किसकी बात से मुझे एक और सवाल याद आ गया आपसे पूछना, ये जो आजकल बाजारों में घूम रहे हैं और आजकल कह रहे हैं कि ये जो मंकी पॉक्स चल रहा है और प्लस कोविड की भी एक XE/XD लेयर्स जो चल रही हैं, तो वाकई में क्या केस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? भाई आपने करना क्या है कि आपने एहतियात करना है, हर जगह जहाँ पे भी आपने जाना है वहाँ पे 2 मीटर्स का डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, कोशिश करें कि ज़्यादा आपने टच ही नहीं होना बहुत सारे लोगों के साथ, क्राउड में ना जाएं, क्राउड में आप जाएं लेकिन वहाँ पे आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ठीक है, लेकिन आपने वो कोशिश करें कि जो वो मिलन मिलाप है उसको दूर से ही सेलिब्रेट करें, अच्छा है।
लेकिन आपको जो मैं अच्छी टिप्स देना चाहता हूँ यहाँ पे, हमने जैसे ही आपका लेकिन जो सुबह की आपने बात की वो यही आपने बात की कि जो है लोग सुबह उठते हैं, तो मैं आपको बताऊँ लोगों की सुबह बहुत ही देर से हो रही होती है या सुबह में नाश्ता करके चाय पी के सो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, या तो वो नाश्ता उनका इतना हैवी होता है, पूरियां पराठे गोश्त बारबेक्यू, और रात को जो बारबेक्यू गोश्त बिरयानियों की दावतें जो चल रही होती है, पहले खाया नाश्ता किया फिर सो गए, फिर 4-5 बजे उठे फिर दावतें की फिर सो खाया और फिर सो गए, क्योंकि वो सारी रात के जागे होते हैं चांद रात के। तो वही चीज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो आप हेल्दी हैबिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उससे मुझे एक और सवाल पूछना है कि काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि आफ्टर बकरा ईद जो है वो शुगर का लेवल भी बड़ा होता है, तो इससे क्या कनेक्ट है कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल का? भाई देखें, एक मैंने पहले भी बात की कि अगर कोई भी दिन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से स्टार्ट करेंगे और अपने लाइफस्टाइल जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर रखेंगे, तो आपकी ये चीज़ें ना बढ़ेंगी ना कम होंगी, तो इसलिए वो प्रॉपरली मैनेज रहेंगी। तो आज मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि ईद का दिन कैसे आपने मेंटेन करना है, जैसे यहाँ पे आपने मिडल ईस्ट के अंदर यहाँ पे जो ईद नमाज होती है बहुत ही अर्ली टाइम पे होती है, 4 to 5 o'clock के बीच में, बाज़ूकात यहाँ पे 6:30 बजे 6:15 बजे सुबह में नमाज होती है ईद नमाज। तो आपने क्या करना है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आपने आराम से नाश्ता करना है, उसके बाद आपने जाके ईद नमाज़ पढ़नी है, सही है। ईद नमाज के बाद आपने वापस घर आना है और सबसे आपने अपने रिलेटिव्स और फैमिली से ईद मिलनी है, लेकिन उसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने सोशल डिस्टेंस लाजमी मेंटेन रखना है और मास्क भी लाजमी इस्तेमाल करना है, और घर पे आप जितना भी टाइम रहते हैं अपने फैमिली के साथ तो आपने स्मॉल पोर्शंस में खाना खाना है, एकदम से हैवी डाइट नहीं लेनी, हैवी मतलब खाना नहीं लेना, तो आपने छोटे छोटे मील्स आप लें और जो भी सॉरी मैं यहाँ आपकी बात काट रही हूँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने ईद मिलनी है, ईद थी भी देनी है, तो आज मैं जो आपको ईदी दे रही हूँ वो मैं डॉक्टर साहब की पॉइंट्स और टिप्स के थ्रू दे रही हूँ, और हम भी डॉक्टर साहब से ईदी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून। और आप लोग देखें वो जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उस पर फोकस करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, और जितना हो सके इनकी बातों को प्रॉपर दिमाग माइंड में जो है वो डालें कि आपने कैसे अपना हेल्दी लाइफस्टाइल लाना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे यंग अपने सामने मेरे सामने से जो केसेस गुजरते हैं, मैंने ऐसे बहुत से यंग देखे जो इंसुलिन पे आए हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे जस्ट 36-30 ईयर ओल्ड इंसुलिन्स लगा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स तो लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक के बगैर गुजारा नहीं है, कोल्ड ड्रिंक लो देन अगर आप कोल्ड ड्रिंक नहीं लोगे तो हाजमा नहीं होगा, व्हाट इज दिस यार, रियली मैं बोलती हूँ या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो पढ़ लिख के। तो प्लीज़ आप इनकी बातों को प्रॉपर फोकस करें, जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं ये आपके सबके लिए ईदी है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, शुगर का लेवल कोलेस्ट्रॉल का लेवल, डॉक्टर साहब ये तो आप बताएंगे मुझे, लेकिन मुझे इसके साथ ये भी बताएं कि यूरिक एसिड गोश ओवर ईट करने से और यूरिया का जो लेवल है, जो किडनी का फंक्शन होता है जिसमें नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, तो उससे रिलेटिव आप मुझे कुछ बताएंगे कि ये यूरिक एसिड का क्या ताल्लुक है गोश्त से और यूरिया का? देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर आपने सुबह से अपना लाइफस्टाइल हेल्दी तरीके से मैनेज करना है और अर्ली मॉर्निंग में जो आपने ब्रेकफास्ट करना है उसमें कोशिश करके आपने फ्रूट्स लेने हैं, जिसके अंदर आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, जिसके अंदर आप सीरियल्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, तो ये आपने सुबह सुबह आपने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट करना है, तो ये अगर ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग फोकस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर तो आपका जो इनटेक ऑफ द मीट होगा वो कम हो जाएगा, तो जिससे आपने क्या करना है, जो ईद डे है ना इसको डिवाइड करना है पोर्शंस के अंदर, सही है, अच्छा सा हैवी ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन ब्रेकफास्ट के अंदर एग्स ऑरेंजेस और फ्रूट्स शामिल होने चाहिए, सही है, और उसके बाद आपने जो खाना मतलब दोपहर इवनिंग रात या मिड नाइट के अंदर जो भी आपने फूड खाना है वो पोर्शंस के अंदर खाना है, वो थोड़ा थोड़ा आपने खाना यूज़ खाना है, एकदम से पेट फुल नहीं करना, क्योंकि
क्योंकि नॉर्मली जो ईद डे होता है वो आप रिलैक्सिंग पीरियड में होते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, तो आपने छोटी छोटी गैप्स भी खाएंगे तो वो ईजिली डाइजेस्ट होता रहेगा। तीसरी बात आपने क्या करना है, जो भी आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो ईद अल अज़हा की बात होती है, ये जो भी आपने ये ईद है बेसिकली शेयरिंग की, तो जो भी आपने कुर्बानी करनी है तो वो जैसे सुन्नत नबी और सुन्नत इब्राहिमी, सुन्नत इब्राहिमी यही है कि हमने उसके तीन पोर्शंस बनाने हैं, एक गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपने लिए पड़ोसियों। हाँ, तो उसमें जैसे आप इन पोर्शंस में जाएंगे तो आपके पास बचेगा इतना कि आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं कुछ दिन के लिए, तो आपने शेयर ज़रूर करना है। और इसके अलावा आपने ये करना है कि ग्रिल फूड जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, जिसमें आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है, स्टमक बर्निंग हो सकती है, चेस्ट पेन होती है, आपको वोमिटिंग फील होती है, क्योंकि आप ग्रिल फूड में आप देख सकते हैं कि ग्रिल फूड बेसिकली सेमी कुक फूड होता है, तो आपने एहतियात करनी है, तो ग्रिल फूड को अवॉइड करना है और प्रॉपरली बना के खाना खाना। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इससे आप यकीन कर लें, ना ही आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, ना ही आपकी यूरिक एसिड बढ़ेगी, ना ही आपके दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगे, ना ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जो शेयरिंग और केयरिंग में जितनी खुशी है उसमें आप खुशी फील करेंगे, आपका फील गुड फैक्टर आएगा, तो उसको आपको अच्छा भी लगेगा और आप इन्जॉय भी करेंगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप हम देना चाह रहे थे इस ईद के हवाले से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, मुझे तो काफ़ी मेरा है इरादा कि मैं बिल्कुल इस पे चलूं, और इसके साथ साथ आप ये टिप्स भी फॉलो करें और कोशिश करें कि कोलेस्ट्रॉल के लिए वॉक करें, घर के अंदर करें, बाहर नहीं जा सकते, गर्मी है, तो ये बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने टिप्स बताई हैं। आप फॉलो करें और इन्जॉय करें बकरीद को, और हमें अपनी बेशक बिल्कुल अपनी दुआओं में याद रखें, और स्पेशली दुआएं करें यूएई वालों के लिए, क्योंकि जैसे कि रिसेंट 2 or 3 days पहले अर्थक्वेक हुआ है, तो बस उसके लिए जो है वो आप लोग उससे रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखें हमें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपको एडवांस में सबको ईद मुबारक। जी डॉक्टर साहब, लास्ट में क्या मैसेज देंगे? आप इंजॉय कीजिएगा ईद को, और ईद मुबारक आपको। ओके, टेक केयर।